को यहाँ इकट्ठा किया। ये गांधी जी का सपना था कि भारत फिर से जैसे हमने वंदे मातरम में गाया था, सुजलाम सुफलाम मलयालम सीताराम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम, यानी भारत ऐसी भूमि बने जिसमें अच्छा पानी हो, अच्छे फल हो, ठंडी हवा बहती रहे और इसमें हमेशा हरियाली रहे। अब आज़ादी के 62 साल बीत गए और आप जानते हैं इन 62 सालों में हमने बहुत तरक्की की है, भौतिक तरक्की, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक संपदा थी, हमारी जो नेचुरल वेल्थ थी, वो घटती गई। अब सुजलाम की बात छोड़ दीजिए, अब तो पानी का माइनिंग हो रहा है, गहरे गहरे हम कुएं खोद रहे हैं और पानी के जो हमारे यस फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी आई शुड गिव जस्ट ऑफ माय टॉक इन इंग्लिश इन द एंड। अब भारत में तो पानी का संकट पैदा हो गया। आफ्टर 62 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। वी हैव पोल्यूटेड आवर फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड वाटर यू कैन नॉट ड्रिंक फ्रॉम एनीवेयर एल्स, कहीं से पानी ला नहीं सकते हैं। जब अन्न की कमी पड़ी थी हमने विदेशों से अनाज इम्पोर्ट किया था, लेकिन पानी को इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता और पानी की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि पीपल एप्रीहेंड दैट इफ अनफॉर्चुनेटली थर्ड ग्रेट वॉर ब्रेक आउट इट विल बी ऑन द इश्यू ऑफ वाटर। रिवर इमर्जिंग फ्रॉम वन कंट्री मे बी डाइवर्टेड एंड द अदर कंट्री वेयर द रिवर इज फ्लोइंग मे बी डिवाइड ऑफ इट्स वाटर। अब पानी सबसे बड़ी समस्या होने वाली है 21वीं शताब्दी में, तो हम सबको इस बात पर सोचना है कि पानी कहाँ से आएगा और पानी को पैदा करने का एक ही तरीका है कि यू प्लांट ट्री, पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ हमको ऑक्सीजन भी देता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड भी जज्ब करता है, शंकर भगवान की तरह जहर पी लेता है और पेड़ बारिश लाता है और पेड़ पानी को कंजर्व भी करता है और पेड़ मिट्टी बनाने का काम भी करता है। इसीलिए कहा है कि फॉरेस्ट आर द मदर्स ऑफ द रिवर, ऑल आवर रिवर्स इमर्ज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब